नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नीतीश सरकार के एक फैसले के बारे में, जिसके बाद उद्योगपतियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों पर बिहार सरकार मेहरबान हो गई है। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को लेकर जमीन की रेट को तय कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट की हुई बैठक में 54 औद्योगिक क्षेत्रों के भूमि के लीज पर 20-82% तक की छूट दे दी गई है। कहा जा यह भी जा रहा है कि लीज की दर में जो छूट दी गई है उसमें कारोबारियों को सहूलियत मिलने वाला है। जब वे औद्योगिक जमीन खरीदेंगे तो इस दौरान उन्हें कम पैसे में भी जमीन मिल सकेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार कारोबारियों को यह सब फायदा इसलिए दे रही है जिससे कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, दूसरे प्रदेश से कारोबारी बिहार में आकर रोजगार कर सके, जिससे कि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके और आय में बढ़ोतरी हो। आपको बता दें कि प्रदेश में बियाडा के पास 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। साथ ही साथ पिछले लंबे समय से बंद पड़े चीनी मिलों को में से 2900 एकड़ जमीन को भी अब जो है औद्योगिक क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दी गई है। सरकार की तरफ से जारी यह साझा की गई बात पर जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में बियाडा की जमीन है उस पर MBR पर 80% की छूट दी जाएगी। नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार गोपालगंज के हथुआ फेज 1 और 2, सिवान में न्यू सिवान फेज 1 और 2, इसके अलावा औरंगाबाद रोहतास के विक्रम का क्षेत्र, बक्सर के डुमराव, गया जिले के गुरारू, मुंगेर जिले के जमालपुर और मुंगेर क्षेत्र, पश्चिम चंपारण के रामनगर, मधुबनी के झंझारपुर, मधेपुरा के उदाकिसुनगंज और मुरलीगंज, इसके अलावा सहरसा जिले का सहरसा क्षेत्र और नालंदा जिले के बिहार शरीफ क्षेत्र शामिल हैं जहाँ पर कारोबारियों को 80% का छूट मिलेगी। इसके साथ साथ सरकार ने कुछ ऐसी भी ज़मीनें हैं जहाँ पर 60% MBR की दर से छूट देने का फैसला किया है। इसमें पश्चिम चंपारण का बेतिया, रोहतास का डेहरी, भोजपुर का बिहिया, जहानाबाद बिहटा, सिवान, मधुबनी जिले का सकरी, सीतामढ़ी, दरभंगा का धर्मपुर, कटिहार और किशनगंज का खगरा क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा भागलपुर का बरारी, पूर्णिया का बनमंखी, पूर्णिया सिटी, दरभंगा का दोनार और बेला, पूर्वी चंपारण का रक्सौल, वैशाली का हाजीपुर, बारून व औरंगाबाद, बक्सर और लखीसराय में 40% छूट जो है यहाँ पे उद्योगपतियों को दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी घोषणा में कुछ ऐसी भी ज़मीनें हैं जिन पर मात्र 20% की छूट देने की बात कही गई, जिसमें कि पूर्णिया का मरंगा, अररिया का फारविसगंज, मधुबनी का लौहट फेज 1, 2 और 3, वहीं पूर्वी चंपारण का सुगौली, मुजफ्फरपुर का कोरसा, वैशाली का गोरौल फेज 1 और 2, हाजीपुर, पटना जिले का फतुहा, पाटलिपुत्रा, बक्सर का नवानगर, नवादा का वारसलीगंज, मुंगेर जिले का सीताकुंड और खगड़िया जिले का खगड़िया औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर जो है 20% की छूट जो है उद्योगपतियों को दी जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले के बाद उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि बिहार में अब उद्योग लगाना सबसे सस्ता हो गया है। राज्य से 54 औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन की लीज दरें 80% से लेकर 20% तक कम कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार का यह निर्णय राज्य के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि बिहार सरकार लगातार यह चाह रही है कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दे सके, उद्योग को बढ़ावा मिल सके, जिससे कि पलायन की समस्या जो है उस पर निजात पाया जा सके। दूसरी जो अहम चीज़ है उससे कि प्रदेश में जो है रोजगार अगर बढ़ेंगे, कल कारखाने नए नए लगेंगे, तो जिससे कि प्रदेश का जो है एक तरह से GDP में बढ़ोतरी होगी, आम आदमी को जो है रोजगार मिल सकेगा और लोग जो है खुशहाल हो सकेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।